भरे भरे थे। मेरी बात सुने, 3.5 सालों के अंदर वर्ल्ड की, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना कर्ज नहीं लिया गया जितने इमरान खान साहब के दौर को कर्ज अगर लिया गया तो पाकिस्तान के लिए। पहले तो मैं ये कह दो कि पाकिस्तान का जो बुनियादी जेनेटिकली रस लेना ये चोर है, सही है, और अगर हमने मोदी को फॉलो करना होता ना तो अब हम इधर नहीं होते। हम मेरा सवाल ये है कि इंडिया की उन्होंने तारीफ की है, एक तरफ हम तारीफ करते हैं एक तरफ बुराई करते हैं, ये समझ नहीं आ रही, बस ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है। देखिए ये असल में, अच्छा सर मेरा आज का आपसे सवाल ये है कि हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान में जितने भी तोहफे तहफे आते हैं बाहर से जितने भी आते हैं पता नहीं चलता, ये अपने आप पर ही लगा देते हैं, आवाम पर कुछ नहीं लगता, इनको मोदी जी को फॉलो करना चाहिए जिनका एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है और जो तोहफे तहफे उनको मिलते हैं वो वापस आवाम पर लगाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान का जो बुनियादी जेनेटिकली रस लेना ये चोर है, सही है, और अगर हमने मोदी को फॉलो करना होता ना तो अब हम इधर नहीं होते। हम अभी एक मेरे फेसबुक पे एक पोस्ट आया था तो कह रहे थे कि मतलब उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ जो रिजर्व है वो 8 बिलियन तक है और इंडिया के पास जो रिजर्व है वो 600 बिलियन है। अब आपको इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉलिटिशियन ये जो है, ये प्राइम मिनिस्टर है या एनीवन जो भी है हमारे पॉलिटिशियन जो बड़े सरबरा है, ये हमारे साथ सिंसियर है या नहीं है। अगर ये सिंसियर होते आज तो आज हमारा ये इमेज होता। आपको पता है बाहर आवाम पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं कि ये चोर है। और ये क्यों? ये पॉलिटिशियन की वजह से होता है। अगर मोदी जी की बात की जाए, यार मोदी आप किसी भी अंदाज़ा लगा कि मोदी मतलब तकरीबन ये 2 बार या 3 बार मुझे कन्फर्म तो नहीं है क्योंकि दूसरी बार तो ये वो क्यों जीतता है, आवाम उसको क्यों सेलेक्ट करती है? इस वजह से कि वो सिंसियर है अपने आवाम के पास। उनसे एंकर्स हैं बहुत सारे एंकर जो कि इंडिया के बकतोइयां करते हुए, बुराइयां करते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन अभी एक रिजीम चेंज हो गई है, एक ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के एंकर सब इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आते हैं बिकॉज के इंडिया ने डे बाय डे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर ली है। इंडिया, पहली बात तो यह है कि जो इंडिया के जो लीडर्स हैं ना, नरेंद्र मोदी हम कहते तो हैं कि वो ठीक नहीं है, वो बड़ा दहशतगर्द है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ बड़ा लॉयल है और जो पाकिस्तान की जो तमाम लीडरशिप है वो पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है, सीधी सी बात है। इसी वजह से डेवलप नहीं हो रहा। यस मेरे मुताबिक तो इसी वजह से डेवलप नहीं हो रहा। कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया, अगर आप आईटी सेक्टर देखें तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है आईटी के सेक्टर के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आप देखते हो कि पाकिस्तान के जो उनसे एंकर नजर आते हैं, पाकिस्तान की मीडिया भी आजकल इंडिया के गुण गा रही है, इंडिया की तारीफें कर रही है। अगर आप देखोगे पाकिस्तान के जो उनसे अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान साहब, वो जयशंकर की तारीफ करते हैं, इंडिया के खारजा पॉलिसी की तारीफें करते हैं। अभी आप देखेंगे मीडिया इंडिया नरेंद्र मोदी की तारीफें करी, क्या देखते हैं उन सबको आप? जो तारीफ़ है काबिल तो उनकी तारीफ करनी चाहिए, वो इसलिए उनकी तारीफ करते हैं, वो अपने मुल्क को देखते हैं जब, और जब बाहर के मुल्कों को देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो अपने मुल्क साथ लॉयल हैं। हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं ना, वो ही अपने मुल्क साथ लॉयल नहीं है, जो मैं सोचता हूँ, और जो लॉयल है उसको यहाँ पे लॉयल रहने दिया नहीं जाता। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना, वो नीचे से लेके ऊपर तक सारा ही करप्ट है। इमरान खान साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तोशाखानी में उनका नाम आ गया और जियो ने जा के उन लोगों से सवाल किए कि जो तोशाखानी में मुलव्वस थे, जिन लोगों को ये वॉच बेची गई, कैसे बेचे, कहाँ से आई, तो इमरान खान साहब